नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने यूट्यूब चैनल उदय राजपूत मैस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी देना चाहते हैं तो इसको लेकर एक अपडेट है। तो अपडेट क्या है यहां पे देखिए आप। यदि आप महिला कांस्टेबल हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है, देखिए, जिनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है तो वो किसी कारण एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो अब उनके लिए राह आसान हो जाएगी। यहाँ पर कैबिनेट में एक फैसला ले लिया गया है, जो कि हमारे गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा जी, जिनको आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। इनने देखिए क्या निर्णय लिया है। पहले 158 सेंटीमीटर ऊंचाई थी, महिला कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उनकी ऊंचाई अब 3 सेंटीमीटर घटाकर कितनी कर दी है, 155 सेंटीमीटर कर दी है। तो कि इनसे देखिए काफ़ी सारे जो महिला कांस्टेबल हैं उनके लिए फ़ायदा होगा, यानी कि जो महिला कांस्टेबल बनना चाहती हैं जिनकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर कम थी, तो उनके लिए काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी खबर पढ़ लेते हैं क्या है। यहाँ पे प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही महिला आरक्षक भर्ती में प्रतिभागियों की ऊंचाई कम करने की मांग को लेकर सरकार अब आगे होने वाली भर्ती में पूरा करेगी। यानी कि काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी कि महिला कांस्टेबल के लिए थोड़ी सी हाइट कम की जाए, यानी कि 158 सेंटीमीटर थी उससे भी थोड़ी सी कम की जाए। तो यहाँ पे देखिए 158 से अब कम कर कितनी कर दिए, 155 कर दिए। यानी कि यदि आप मध्य प्रदेश में एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप थोड़ा सा रेडी रहिए, एग्ज़ाम आपका ज़रूर होगा। थोड़ा सा देर सवेर हो सकता है लेकिन एग्ज़ाम आपका ज़रूर होगा, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो आई होप आपके लिए एक अच्छी खबर होगी यदि आप महिला कांस्टेबल बनना चाहते हैं, है ना। यानी कि जो महिला वर्ग है वो ही महिला कांस्टेबल बनेंगी, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। बाकी यदि आप पुरुष वर्ग से हैं तो आपके लिए भी अच्छी खबर है, यानी कि इससे आपके लिए एक पॉजिटिव साइन मिलता है कि आपकी वैकेंसी ज़रूर होगी। तो आई होप आपको यह खबर काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो यदि खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आपको सभी प्रकार की वीडियोस मिलती रहें। जो भी अपडेट रहेगी उसकी वीडियो भी मिलती रहेगी, और जो भी मैथ्स रीजनिंग और हिंदी की वीडियो भी आपके लिए रेगुलर चैनल पर मिलती हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं और वहाँ से अपनी तैयारी कर भी सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।